come from Delhi. Madam is coming from Bhopal. So this is good gesture. Now, would you like to demonstrate something or would you like to present something? Sir. Make submissions? Sir, there is one submission, the presentation. Can you play the presentation? Because I have brought my laptop. Okay. I don't think it can be connected right now. Please. Can I connect for that? Actually, it's only five slide presentation, sir. We are trying to what we have done so far, sir, and what we are looking for us. Yes. So there is one thing we have already explained to you, sir, here in Govinda. पुलिस ने अपना सारा काम कर लिया है, उन्हें इमेज को दे देते वो इमेज ने ICS ने इमिग्रेट कर दिया है, वो ऑनबोर्ड भी हो गए हैं, उनके पुलिस ऑफिसर्स भी ऑनबोर्ड होने शुरू हो गए सर। दो एस्पेक्ट थे, तीसरा एस्पेक्ट था कि क्राइम जो टाइम लाइन है वो हमने SMS को संदेश पर हमने देना शुरू कर दिया है। IU जो है वो प्रिंसिपल थाने के जो IU है उनके यहाँ ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, वो किसी को भी ऐड कर सकते हैं, उसकी एक शर्त है। उसकी शर्त यह है कि जिसको वो ऐड कर रहे हैं वो जो है संदेश वेरीफाइड होने चाहिए, जैसे कि वो वेरीफाई, अदरवाइज इट्स अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म सर, वी डोंट अलाउ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है कि वो वेरीफाई करेंगे कि यस ही इज मिस्टर एक्स, वो उनके सिस्टम ग्रुप का डिपार्टमेंट का जो भी व्यक्ति है उसको वेरीफाई करते हैं। द मोमेंट ही इज वेरीफाइड, वेरीफाई कैसे करेंगे आप? देयर इज अ पोर्टल सर, हमारा संदेश का एक पोर्टल है, उसको हमने पुलिस का हमने एडमिन बनाया हुआ है, प्रांजलि जी यहाँ पर है, तो प्रांजलि जी उसके एडमिन है, तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को एक एक करके वो चेक कर रही है और उनको वेरीफाई कर रही है। सेम वे सर, अगर इसमें जो भी और स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि प्रोजेक्शन पे लोग आने हैं या कंप्लेनेंट आने हैं, हाँ सर कंप्लेनेंट का सर उनका वेरिफिकेशन विल बी प्रॉब्लम सर। सो हमने क्या किया सर, उनका सोल्यूशन कंप्लेनेंट है, विक्टिम है या विटनेस है, उन लोगों के लिए सर हम जो भी उसकी कार्यवाही होगी हम उनको उनके संदेश पर भेज सकते हैं सर। दे आर द पब्लिक सर, दे आर नॉट द क्लोज ग्रुप सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो क्लोज ग्रुप में बहुत सारी चीजें हैं, लोग आपस में बात करें, बिल्कुल बिल्कुल, वी विल नॉट रिवील द फॉरेंसिक थिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो क्लोज ग्रुप IU करेंगे, लेकिन उस क्लोज ग्रुप से जो एक्शन हो रहे हैं जिसमें के साथ एडमिशन रिपोर्ट आ गई है, ओनली रिपोर्ट आ गई है, हाँ, तो वो इंटीमेशन जो है विक्टिम को और उसको विटनेस को उनको मिलेगी, जो नंबर पुलिस के पास है ऑलरेडी। एज पर द न्यू लॉ सर, सारे विक्टिम्स या जो भी अक्यूज्ड है, जो भी हमारे कंप्लेंट है, सबका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होना मैंडेटरी हो गया सर। तो वो इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस इनके पास है और ये हमको प्रोवाइड कर रही है। आज की तारीख में हमें तो IU का डेटा आ रहा है सर, पर आने वाले जब समय में जो हमने आज नया तरीका निकाला है सर, जो हम करेंगे उसमें हमको सारे विक्टिम्स के और विटनेसेस के हमको मोबाइल नंबर मिलेंगे सर। हम उनको उनके मोबाइल नंबर संदेश अगर हमने अपलोड किया है तो हम संदेश में मैसेज दे देंगे। और सर अगर क्रिटिकल अगर है सर, टू मेक दी 100% कवरेज, ये SMS के माध्यम से भी हम मैसेज छोटा मोटा भेज सकते हैं कि आपकी हियरिंग है, ये हो चुका है, ये हम कर सकते हैं। संदेश में डिटेल जाएगा लेकिन SMS सो दैट कि सर आइडिया जो कोर्ट का लॉर्डशिप के डायरेक्शन है कि हमें इंटीमेशन भेजना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर है, सब हम भेज सकते हैं। ये दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट सर, यानी आज साल भर से जो डिलीबरेशन चल रहा था सर, उस डिलीबरेशन में आज एक चीज ये भी आई कि वेदर वी कैन फॉर्मुलेट सच मैकेनिज्म कि उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट है या उस व्यक्ति को जो विक्टिम है या विक्टिम का ब्रदर है या फैमिली मेंबर है, उस विक्टिम को केवल सिंपल SMS आ जाए अपडेशन, रादर देन बीइंग इंक्लूडेड इन द ग्रुप। यस यस है ना, हम करने का पूरा प्रयास किया सर, क्लोज ग्रुप चल गया सर, क्लोज ग्रुप हमारा चल गया है। क्लोज ग्रुप में कौन कौन? IU सर, IU है, SHO, IU का मतलब SHO सर, नहीं कई बार SHO और IU अलग, यानी जो SHO होते हैं वो बड़े आदमी हो जाते हैं तो वो कई बार थानेदारी करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ये बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी है सर। वो थाने में बैठ के सब लॉ एंड ऑर्डर देखना, सब पूरी व्यवस्था दूसरी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन किसी और को दे देते हैं सर। TI साहब जो है वो सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं, तो SHO और IU दोनों होना चाहिए सर। IU जो भी इस एडमिन का, इसका ग्रुप का जो एडमिन हुआ था, जो FIR के इसमें जो IU निर्धारित है, उस निर्धारित IU को एडमिन राइट्स लेंगे सर, वो SHO साहब को ऐड करें या जिसको ऐड करना चाहे करें सर, और फॉरेंसिक वाला एडमिन सर। अब आगे आगे बताइए सर, आगे ये कि जैसे जैसे जो क्राइम टाइमलाइन हमारे पास आएगी, कि जैसे आज FIR हुई है तो IU ऐड हो गया, कल को चलते वो पर्सन है रीच टू द जे, इमीडिएटली जे हम ऑटोमेटिकली लिंक कर सकते हैं, नहीं तो IU साथ ज्वाइन कर सकते हैं, सुप्रीम पेज नंबर को ज्वाइन करा सकते हैं। यह मामला फॉरेंसिक में क्या है, तो फॉरेंसिक का नंबर भी ऑटोमेटिकली ऐड हो सकता है अगर हमें मिल जाता है तो, जो हमारे पास है। अदरवाइज IU साहब साइंटिस्ट का नंबर ऐड कर सकते हैं, जो भी साइंटिस्ट में नहीं है, इनके राइट्स हैं। बाकी प्रोसिक्यूटर्स के सर वो नंबर भी हम ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, अदरवाइज IU ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सर ये प्रिजन है, प्रोसिक्यूशन है, फॉरेंसिक है, ये वर्टिकल के जो मोबाइल नंबर्स हैं दे आर नॉट वेरीफाइड ऑन संदेश एज ऑफ नाउ।
तो सर हमने क्या है कि हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो पुलिस ने किया है वही ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के लिए हम उन लोगों को भेज सकते हैं रिक्वेस्ट कि आप ही अपने आपके सारे ऑफिसर्स को ऑनबोर्ड कीजिए और उनको बोलिए कि संदेश आप डाउनलोड करें और अपने आप को वेरीफाई करें। द मोमेंट दे आर वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन जो है जो आइए डालेंगे उनको सब मिलनी शुरू हो जाएगी और वो भी उनको लिख सकते हैं, आइए भी उनको लिख सकते हैं, ग्रुप चैट आपस में काम कर सकते हैं। फिर जो इसके ऊपर जो आपके एक्शन आ रहे हैं सर जो कि हमें देने हैं पब्लिक में उसको हम SMS या संदेश के माध्यम से दे सकते हैं, हम सारा का सारा कवर करते हैं उसमें। फिर लेकिन एक चीज ये होगी कि हर जो कंप्लेंट एंड विक्टिम है वो संदेश वेरीफाइड होना चाहिए। पब्लिक का जरूरत नहीं सर, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए जरूरत नहीं है सर। ऐसा हाँ सर, संदेश डाउनलोड करें हमारा गवर्नमेंट का जो ऐप है सर और केवल शुरू हो जाए सर, क्योंकि हमारे पास वो मोबाइल नंबर पर ऐसे संदेश है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, संदेश पास पोर्टल में इन्फॉर्मेशन होती है, हजारों लाखों जो नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं सर, और वो नंबर अगर संदेश में है तो हम संदेश से बड़ा वाला मैसेज भेजेंगे, अदरवाइज SMS पर हमको छोटे वाले लाइन का मैसेज SMS। और वो SMS कौन बनाएगा सर? वो SMS एक टेम्पलेट वेरीफाई हो जाएंगे क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड होंगे सर, ऐसा बड़ा नहीं हो सकता सर, छोटा SMS कि चार्जशीट फाइल कि अभियोग पत्र पेश किया गया, अभियोग पत्र फला फला कोर्ट में, जैसे एक इतनी जानकारी होना चाहिए उस कंप्लेनेंट को कि अभियुक्त ए के खिलाफ अभियोग पत्र सेशंस जज को गिरफ्तार हो गया जेल पहुंच गया तो हाँ तो या छूट गया तो उससे उस आदमी को मालूम है कि मेरे इस केस में जो ए या बी जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार हो गया है, वो अब छूट गया है बेल से और चार्जशीट पेश हो गई है, और समन्स पे क्या करेंगे जब उसको विटनेस के तौर पे आना है? सर समन्स की एक्टिविटी हमारे पास आती है, इसमें जो सिस्टम जो कोर्ट का सिस्टम जो हमसे इंटीग्रेटेड है सर ICJ से, तो प्रोसेस जनरेशन का हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि इस FIR में ये प्रोसेस जनरेट हुआ, प्रोसेस में चाहे वारंट हो सिमिलर सर वो इंटीग्रेशन हम कंसर्न जो मोबाइल नंबर है उनको हम भेज सकते हैं और ग्रुप पर डाल देंगे। इस पर प्रोसेस अभी सर MP पुलिस काम कर रही है सर, जिससे वारंट समन्स की डिलीवरी का उन्होंने ई समन्स शुरू किया है, तो वो एक्सपीरियंस हमारे पास है, वो डेटा हमारे पास है, वो नंबर पर जो नंबर हमारे पास पुलिस से मिल रहे हैं ऑफ IOs या विक्टिम या विटनेसेस या जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको हम भेज सकते हैं कि उस पर समन्स आए हैं फलानी तारीख की अगली डेट ऑफ हियरिंग, ये हम करने का प्रयास करते हैं सर। इसमें सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि मध्यप्रदेश में सारा डेटा जनरेट हुआ प्रोसेस का, ये अच्छी बात है सर, तो सारा सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। अच्छा तो वो है ना वो समन्स वगैरह उनको मिलेंगे? हाँ समझ से मिलेगा, समझ की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन की आज आपको 25 अगस्त को आपको ट्रायल कोर्ट में बयान किया सर, ये आएगा सर कि एक टेम्पलेट बन जाएगा कि वो उस टाइप से इस FIR में जो भी समझ पर नाम किसके नाम से है किस स्टेट में इसमें अपियर होना है, तीन चार फील्ड का एक एसएमएस बन जाएगा, वो हम अपने ICJ के माध्यम से संदेश में देंगे, वो इंडिविजुअल को जाएगा दैट इज प्राइवेट, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है क्लोज ग्रुप जो बना है आईए के साथ बात करनी है उसमें आ जाएगी। अच्छा अब दूसरा एस्पेक्ट जो था वो विटनेस इंटिमिडेशन का कि गवाह सुरक्षा, गवाह को कई बार इंटिमिडेशन मिलती है एक्यूज के द्वारा, ये कहा जाता है कि बयान बदलो या मत जाओ उस दिन नहीं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको चेक करने के लिए क्योंकि अभी पहले जब सोचा गया था वो ये था कि पूरे ग्रुप में रहेगा वो आदमी, तो जैसे ही कोई अगर गवाह को इंटिमिडेट करेगा धमकाएगा तो गवाह अपना फोटो धमकाने वाला या वीडियो या अपनी एक लिखित कंप्लेंट उस ग्रुप पे छोड़ देगा, तो IO देखेंगे, तो IO की ड्यूटी रहेगी वो उस चीज़ को देखें कि क्या प्रॉब्लम है। ये वाली जो चीज़ है अब गवाह सुरक्षा की वो क्या आपने सोचा उससे? उसको हम वर्कआउट करते हैं क्योंकि संदेश आपकी थोड़ा सा वो लिमिटेशन है कि पब्लिक को वो वन वे इंटरफेस देते हैं, वो केवल लेंगे इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि सर ये थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं बिल्कुल ठीक है उसमें उससे देखिए, इसलिए कोर्ट ने कई बार वो लिखा है कि वो जो एज पर आपकी प्रिवेलिंग गाइडलाइंस या रेगुलेशन है उसी से करना है, कोर्ट वुड नॉट ओवररीच, कोर्ट वुड नॉट एक्सीड कि जहाँ कुछ सिक्योरिटी या कुछ आपकी टेक्निकलिटी से कॉम्प्रोमाइज है उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए कोर्ट चाहती कुछ हो, नथिंग बियॉन्ड दैट। आई वुड लाइक टू सबमिट प्लीज प्लीज सर इन संदेश एनी पब्लिक इफ दे आर वेरीफाइड देन बी ऑन द रिकॉर्ड फॉर बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। अच्छा नाउट इज ओके सर, बट समबडी हैज टू वेरीफाई वैलिडेट इज अ like either a police or a court or somebody has to verify this person can talk to this person,
जैसे आजकल वो आधार कार्ड और ये सबसे वेरीफाई होते हैं वैसे सर ये जो मोबाइल आप मैंने डाउनलोड कर लिया और मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर दिस पर्सन इज देयर ही नोस मी एंड ही विल गो एंड टेक वेरीफाई देन द कम्युनिकेशन विल स्टार्ट जैसे पुलिस का हो रहा है जैसे पुलिस एडमिन पुलिस के लिए करता है जैसे पुलिस एडमिन पुलिस के लोगों को वेरीफाई करता है पब्लिक के लिए कौन करेगा दैट इज द देखिए क्योंकि एक एक ओवरलैपिंग एक कॉन्स्ट्रिक्टिव कौन सा सर्कल कहते हैं जो ओवरलैपिंग जो होता है वो फैक्ट ये है कि कई इसमें जो कंप्लेनेंट्स हैं दे मे बी अदरवाइज प्रोफेशनल क्रिमिनल्स पर्सन्स विद टेंटेड क्रिमिनल बैकग्राउंड 10 केस उनके खिलाफ चल रहे हैं या तो सही में उनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ किसी ने गोली चलाई उन पर दिस इज वन कई बार फॉल्स इम्प्लीकेशन के केसेस यहाँ बनते हैं हर जगह होता होगा तो वो उसने 307 की एप्लीकेशन 307 का केस बनवा दिया अपने विरोधियों पे ही इज अदरवाइज आल्सो मैन ऑफ टेंटेड क्रिमिनल बैकग्राउंड 10-12 केस है उसके जिसमें एक दो 302 भी हो सकता है 307 भी हो सकते हैं तो ऐसे लोगों को पूरी एक्सेस देना भी बड़ा रिस्की है तो वो वेरीफाइड तो हो गए आधार पैन कार्ड और दूसरे जो आप वेरिफिकेशन चाह रहे होंगे बट अदरवाइज वेरी डेंजरस टू इंक्लूड देम इनटू इट मैडम क्या आपका कहना है कि आप पुलिस वाली हैं तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे सर आई एग्री विद यू सर क्योंकि कई सारे कंप्लेंट होते हैं जो दूसरे केस में एक्यूज रहते हैं वी नीड टू थिंक अबाउट मतलब इस पे हमें सर हम संदेश में थोड़ा सा हम बैठते हैं टीम के साथ में कि कुछ को अगर कुछ डालते हैं इंफॉर्मेशन डालते हैं कोई तरीका निकालने की हम कोशिश करते हैं सर जिससे कि उसको परेशानी है वो इंटीमेट करना चाहते हैं करना चाहती हैं वो हमारे पास किसी तरह से सिस्टम में लैंड करना चाहिए रिमोटली दैट इज व्हाट ये रिक्वायरमेंट है सर हमारी हम इसको कोशिश करते हैं सर लेट मी वर्क आउट जो वाला यादव वाला जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है एक महेंद्र चावला महेंद्र चावला जो जजमेंट है उसमें उन्होंने विटनेस प्रोटेक्शन पर पूरा सब कहा है तो विटनेस प्रोटेक्शन पे थोड़ा सा ये एक आस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटीमेशन टाइमली पुलिस को मिल जाए क्योंकि दो आस्पेक्ट्स हैं उसके एक तो उसको 4 दिन बाद अगर गवाही है और उसके लिए उसको जाना है तो वो उसको हिम्मत होना चाहिए कि मैं उस दिन जाके गवाही दे सकूं और मेरे को कुछ हानि नहीं होगी या मुझे कोई रिटेलिएशन नहीं आएगा पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा एक तो वो है और एक इन जनरल रहता है कई बार कि उसने गवाही दे भी दी और उसने उसके अगेंस्ट दिया आदमी के और दूसरे गवाहों का चल रहा है बीच में उस एक्यूज के भाई या बेटे ने या किसी और फैमिली मेंबर ने या किसी उसके साथी ने इनके ऊपर अदरवाइज हमला करा कि तुमने गवाही दे दी है आज तो देखो ये क्या होता है तो दोनों कंडीशंस में उस आदमी का जो ग्रीवांस है वो कहीं आपके पास लैंड करना जरूरी इसलिए है ताकि फेथ बना रहे सिस्टम पे प्रयास करते हैं इसमें प्रयास करते हैं मैं और संदेश टीम बैठ के हम लोग करते हैं कि कैसा कि कुछ एक वो EFIR e-complaint टाइप कुछ ऐसा रहे सर उसके लिए फिर एक ऐप बना सकते हैं दैट कैन बी फिजिबल वो सॉल्यूशन हो सकता है लेकिन उसका भी प्रोसेस यही होगा वेरिफिकेशन हर आदमी को दूसरा क्या है देखिए हर आदमी हमारे लिटरेट और मोबाइल सेवी नहीं है वो हमारे यहाँ केवल व्हाट्सएप और हमारे यहाँ वो टेलीफोन करना जानता है इतना निकी ग्रिटी में शायद ना जा पाए वो कई लोग बहुत विक्टिम के मैसेज के साथ में अगर उसको एक कोई लिंक प्रोवाइड हो जाए अगर कोई जो शिकायत कर लिंक अगर लिंक आ जाएगी तो उससे वो हो जाएगा उस लिंक को करके वो बता सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम सर एक पोर्टल पर केवल कंप्लेंट लेने का ही सुविधा बनाई जाए तो उस लिंक को वो सिक्योर्ड वे में सर ऐसा नहीं हर एक के पास जाएगा वो सिक्योर्ड वे में उस विक्टिम या कंप्लेनेंट या जो विटनेस है उनके मोबाइल को जब लिंक भेजेंगे तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा एफर्ट करने पड़ेंगे सर तो वो लिंक को क्लिक करेंगे वो उसी मोबाइल नंबर से ही फायर हो रहा है कंप्लेंट शो तब जाकर के तो देखिए उस लिंक पे आपके 2 या 3 चीजें ऑटोमेटिक आनी चाहिए जैसे उसने लिंक पे गया तो वो मोबाइल नंबर फायर हुआ और वो मोबाइल नंबर इस केस के लिए जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक वो केस आ जाना चाहिए और वो IO तक पहुंच जाए कोई और उसको यूज ना करे सर अदरवाइज इट कैन बी इश्यू सर हां मिस यूज बिल्कुल सर इसको थोड़ा सेंसिटिव है सर वो लिंक से तो माइलॉर्ड अगर लिंक से अगर मैं ही क्लिक करूंगा तो फिर वो OTP तो वो OTP मुझे ही मिलेगी तरीके निकालने पड़ेंगे तो ये अगर उस पे किया जाए तो हो सकता है
ले जा रही है कि वो फिंगर और रेटिना स्कैन से अब आपको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसा अगर कुछ आप आ गए तो इसलिए अच्छा रहा कि इंडिविजुअल आपका डिस्कशन हो जाए। अभी आप लोग बैठिएगा, थोड़ा चीजों को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। मिस्टर शर्मा आप भी बैठिए। ये भी कर सकते हैं कि वो चार या पांच लोगों को उन्हीं को वल्नरेबल विटनेसेस को ही उसमें रखा जाए, उसमें ऑथेंटिकेट भी, जिसमें कंप्लेनेंट को इंक्लूड किया जाए बाय वर्चू ऑफ हिज स्टेटस एज कंप्लेनेंट, एंड विक्टिम को एक अलग स्टेटस दिया जाए कि यस ही इज आवर विक्टिम एंड विटनेसेस। तो वो हर 15 डेज और 20 डेज में पुलिस वुड वेरीफाई कि हां दिस पर्सन इज यूजिंग दिस नंबर, बिकॉज बाय स्ट्रेच ऑफ ट्रायल वुड गो ऑन फॉर इयर्स एंड इयर्स। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है उसमें एक नोडल अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर नोडल रहेगा तो उसमें जो प्रॉपर नहीं चल रहा है वो तो वो उसको वॉच करेगा कि कहाँ पे प्रोसिक्यूशन साइड से पुलिस कंट्रोल रूम, यस वो जो एसपी के अंडर में एडिशनल एसपी जो भी एक नोडल तो ग्वालियर जिले में जो भी आईयूज हैं, जो भी क्राइम नंबर हैं, उनमें अगर किसी में आपका डिले चल रहा है, पुलिस का सेटअप बहुत अच्छा है, वी कैन गेट कनेक्टेड विद 112, वी कैन गेट कनेक्टेड, वो हम बात करते हैं, सो दैट इट्स इमीडिएटली यू आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क, वो पुलिस का पूरा नेटवर्क है, वो दे विल बी डेफिनेटली कमिंग, बिल्कुल। तो वो अगर वो आया तो हो सकता है 112 का रिस्पांस भी आ जाए, क्योंकि 112 इज डूइंग इफेक्टिव सर्विस, यस सर, इन ओवरऑल ऐसा जो लगता है कि वो उसमें तुरंत पहुंच जाते हैं, तो कम से कम इन्फॉर्मेंट तो रहते हैं कि उनको मालूम है कि हमने क्या क्राइम सेटिंग हुआ है। रिस्पॉन्स टीम जो है, रिस्पॉन्स टीम है, वो अर्ली रिस्पॉन्स वही देते हैं। तो उसको कैसे 112 से आप जोड़ सकते हैं? हम बैठते सर 112 की टीम जो है, 112 इज एमएचए का इनिशिएटिव है सर, और एमएचए ही आईसी जैसा, और अनफॉर्चुनेटली सर वो हमारी सातवीं टीम है 112 की सीट के। अच्छा, तो हम उनसे बात करते हैं कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 112 मींस हम पूरे देश के साथ काम करेंगे, फिर उनका क्योंकि सेंट्रल टीम है सर। अभी एमपी से हम शुरू करेंगे आपके कि जो भी कॉल हमारे पास आ रही है या उनके पास रेडीमेड कोई सोल्यूशन है जिसमें लिंक क्लिक करने पर सीधा मैसेज आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा सर, तो हमें है ना। हाँ, तो वो लिंक जो है हमारे एसएमएस के माध्यम से विक्टिम को या जिसको नंबर वो करना चाहती है वो यूज करेंगे इसको। और अच्छा, ये समझ डिलीवरी में ये जो आपने क्योंकि आईसीजीएस से जोड़ लिया है, हाँ सर, और अब आप हर विटनेस को समझ ई समझ भेजना चाहते हैं, ऑनलाइन भेजना चाहते हैं, तो वो आप विटनेस को ऑनलाइन समन्स कैसे भेजेंगे, यानी किस माध्यम से भेजेंगे, यानी क्योंकि हर कोई के पास तो मेल आईडी नहीं है। तो जैसे एक गांव का एक वो कंप्लेनेंट था जिसको समन्स जाना है कि सितंबर की डेट है, तो आप कैसे भेजेंगे सर? ऐसा अभी जो सिस्टम बनाया है वो फिजिकल का एक स्लाइटली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन किया है आज की तारीख में। वो ये है कि समन्स जो है वारंट जो भी आते थे वो थाने में आते थे, थाने से एलोकेट करके फिर वो फिजिकली डिलीवर करने जाते थे। अब ये सिस्टम जो है तो टाइप करने में दिक्कत होती थी, कुछ टाइप कर रहे हैं, अब वो कोर्ट ने जो दिया है, जो नंबर दिया है वही नंबर थाने में आता है, वही नंबर जो डिलीवरी पर्सन के पास जाता है, फिर वो एक्चुअल साइट पे वहां जाते हैं, वो कागज देते हैं ऐप के थ्रू और फोटो खींचते हैं, उसका लोकेशन आ जाती है कहाँ डिलीवर किया था इसको, और वो कंप्लायंस जो है वो एपीआई के माध्यम से सीआईएस कोर्ट पे चली जाती है सर। तो जैसे एंड स्टेप में होता है सर, कोर्ट में एंड स्टेप में, तो एंड स्टेप आपने एक तरह से उसका समन्स डिलीवरी का पहले जो वो एक प्रोसेस सर्वर है वो एक नोट लगाता था, उसके बजाय आपने उसको ये एविडेंस क्रिएट करा कि देखो आप इस फिजिकल लोकेशन और इस लोकेशन का हमने कोऑर्डिनेट्स वही कोऑर्डिनेट्स वही है, तो वो जगह का एड्रेस वही है, वहीं पर आदमी को दिया। दूसरा सर, अगर वो नहीं मिला है तो उसके घर पे चिपकाते हैं वो प्रोसेस भी, फोटो खींच के आप डाल सकते हैं, आपको क्लाइंट्स के लिए सारा है। फिजिकल डिलीवरी विद द एड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस,
नाउ इलेक्ट्रॉनिक सर, इलेक्ट्रॉनिक पे हम क्या कर सकते हैं सर? अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस पुलिस से मिल जाएगा सर, इसका ईमेल आईडी ये है या व्हाट्सएप नंबर जो भी है, तो वो स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या सर एक मेल भेजा सकता है, क्योंकि एज पर न्यू लॉ सर ये मेल डिलीवरी कैन बी कंसीडर्ड एज ए डिलीवरी। नहीं, इसमें ये नहीं हो सकता क्या, क्योंकि आईसीडीएस से जुड़ा है आपका और आप सबके बोल रहे हैं, तो समन्स वाली जो प्रोसीडिंग्स है ट्रायल कोर्ट में, जैसे ट्रायल कोर्ट का एक निश्चित प्रोग्राम रहता है, कमिटल हुआ, कमिटल के बाद चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद एक ट्रायल प्रोग्राम आता है कि हम ये चार दिन ये विटनेसेस आएंगे, 25, 26, 27, 28 अगस्त चार दिन। तो ये जो प्रोसीडिंग है ये वाली, ये डायरेक्ट जैसे ही टाइप हो, साइन हो जैसा आपके, और तुरंत उस व्हाट्सएप नंबर या संदेश ऐप नंबर देखे जाए उस आदमी के, और डायरेक्ट उसको संदेश ऐप पे उसके उस पर डिलीवरी हुई है। जो इसकी है, हाँ। जो ई कमेटी अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम करती है सर, ये क्योंकि उस एप्लीकेशन से अब हमको काम करना पड़ेगा सर, तो थोड़ा सा उनको हम सबमिट करेंगे सर ये चीज कि ये संभव है, हम कर सकते हैं, संदेश का हमने कर दिया है इस तरह से, वो संदेश वहां भी इंटीग्रेट हो सकता है एज इट इज जो है वो रेसिपिएंट के पास। क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ये इंश्योर हो गया कि ट्रायल कोर्ट ने भेजा, मतलब एक रिलायबल सोर्स ने भेजा, और वो नंबर चूंकि उसका वहां जुड़ा हुआ है उस पर, तो आपने उसको भेजा वहां पर और डिलीवरी हुआ उसको वो संदेश। आप कह रहे हैं यूनिलैटरल है, यूनिडायमेंशनल डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है, आप बता सकते हैं, है ना, वो नहीं बता सकता अपना, उसको बताने के लिए केवल कंप्लेंट चाहिए उसको, तो अगर दिक्कत हो तो कंप्लेंट, उसको वैसे भी ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है, उसको तो खबरें अगर मिल रही है सारी तो वो संतुष्ट है कि मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था, ये आज चार्जशीट पेश हो गई है, सारे एक्यूज की बेल खारिज हो गई है और अब मेरे को गवाही देने जाना है, वो इसमें खुश है क्योंकि वो यही चाह रहा था। तो वो जो है अगर वो यूनिडायरेक्शनल है तो हम क्या ट्रायल कोर्ट से ही वो एक जैसे ही वो जजमेंट जैसे ही वो ऑर्डर साइन हुआ और ऑर्डर अपलोड हुआ उस पर अपलोड होके तुरंत वो किन को जाना है, तीन लोगों को, तो ये तीन लोगों को जाना है, उससे क्या होगा एक कॉपी उसकी आईओ के पास भी जानी चाहिए ताकि आईओ को भी मालूम रहे कि मेरी उस ट्रायल में जिसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी थी 2023 में, अब वो ट्रायल पे तैयार होके आया है केस, उसमें वो कंप्लेनेंट है आज बयान देने या उस तारीख को आने वाला। सर ये सारा संभव है सर, ये क्योंकि हमारे पास आईसी का जितना डाटा था हम कर सकते हैं सर, लेकिन जितना सीआईएस को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, हम रिक्वेस्ट करते हैं सर। सर आप इतने अच्छे सर इनिशिएटिव आ रहे हैं सर, एक इनिशिएटिव जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आप ही बता रहा था कि सर क्या होता है, हाईकोर्ट में अपील फाइल होती है, जेल को पता नहीं चलता है, जेल को तब पता चलता है जब कोई यहाँ से आदेश जाता है साहब छोड़ा जाए उसको, इस प्रोसेस में थोड़ा ब्लाइंड रहता है टोटल मामला जेल का, इसमें करने का छोटा सा सिंपल एफर्ट है जो हम और जगह करके आए थे, अब और इसको इम्प्रूव कर दिया हमने, उसमें क्या है कि जब भी कोई अपील फाइल होगी तो वकील साहब बताते हैं कि साहब ये एफ आई आर नंबर है, इससे फलाना एक्यूज है, तो उसके साथ साथ में उसका प्रिजनर आईडी भी अगर दे दिया जाए तो जैसे ही अपील रजिस्टर होगी यहाँ पर जेल को पता जाएगा अपील हुई है फाइल फलाने फलाने पी आई डी की, फिर साहब आज उसमें हियरिंग हुई है, ये आदेश हुआ है, फाइनली जजमेंट ये आया है, तो जो गैप है सर दैट कैन इफ्यूबल। लेकिन पीआईडी पर कैसे पता चले, इसके सर चार तरीके हैं सर, जब भी कोई मुलाकाती रजिस्ट्रार जेल में मिलने जाता है तो रसीद जनरेट होती है वहाँ पे उसकी मिलने की, उस रसीद पर उसका पीआईडी नंबर लिखा होता है सर, लिखा होता है हाँ सर, तो वकील साहब के पास पहुंच जाएगा। दूसरा है सर कि जैसे ही हम किसी कैदी जो है अपना कोई विजिटर बताता है साहब मुझसे ये लोग मिलने आएंगे, उनके मोबाइल नंबर ये हैं, तो जैसे ही बताएगा उन पे एसएमएस चलाए साहब फलाना फलाना कैदी जो जेल में है उसका पीआईडी ये है जो कि आपका रिलेटिव है। दूसरा तीसरा है सर, हमने सिटीजनशिप पोर्टल किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर ने 15 जुलाई 2022 को उसको रिलीज किया था सर, तो जो भी जो 10 लोग किसी कैदी के रजिस्टर्ड हैं लोग वो उस पर साइन इन कर सकते हैं, और जो अपील में फाइल करने का जो मेटेरियल चाहिए उसको साहब नाम क्या है, कितने और केस में है और कितना सेंटेंस पूरा हो गया है, सारे एस्पेक्ट्स लीगल एस्पेक्ट्स का प्रिंट निकल आता है सर, उसमें पीआईडी नंबर है सर। और चौथा है सर, जैसे हमारी चार जगह है, भोपाल में हाईकोर्ट है, यहाँ बेंच है, फिर इंदौर में है और जबलपुर में, तो तीनों लोकेशन में जेल के जो जेल्स है वहां पर उनमें एक एक दो दो घंटे के लिए काउंटर ओपन हो सकता है, कोई भी वकील साहब जाए और उस कैदी का पीआईडी नंबर वहां से ले सकते हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ पीआईडी जो है 100% है सर। लेकिन यहाँ सिस्टम में अगर पीआईडी नंबर डल जाए, हमारा जो सीआईएस मध्य प्रदेश में जो है वो पुणे वाला नहीं है सर, ये आपका अपना एप्लीकेशन है सर जो कि जबलपुर से चल रहा है सर, उस एप्लीकेशन में पीआईडी नंबर डल जाए तो बहुत सारी डिले जो है वो दूर हो सकती है सर। अपील वो पीआईडी नंबर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो जेल गया वो पीआईडी नंबर आया, हाँ, तो वो ऑटोमेटिक उस पोर्टल पे उस आदमी का
जो है आइडेंटिफिकेशन वो पीआईडी के थ्रू वैसे ही ऑटोमेटिक हो सकता है। हाँ, हो सकता है। वकील साहब की जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कई केसेस में कुछ कुछ वकील जाते हैं कोर्ट जेल में, कुछ वकील नहीं भी जाते हैं। तो कई एक्यूज ऐसे हैं जिनके वकील अगर कोर्ट जेल में नहीं गए तो वो पीआईडी इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। जैसे आजकल ट्रांसलेशन जो हो रहा है किसी भी लैंग्वेज का, तो ट्रांसलेशन क्या है कि उन वर्ड्स को एआई ने उतना डेटा तैयार कर लिया कि वो वर्ड्स को उसको ट्रांसलेट कर देता है। तो वैसा डेटा अगर कोई एआई ऐप में अगर साइन लैंग्वेज का डाल दिया जाए तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो साइन लैंग्वेज जो बता रही है वो बच्ची या बता रहा है लड़का, तो वो इंटरप्रेट ऑटोमेटिक रियल टाइम में हो जाए। बहुत अच्छा इशू है सर, ये हम उस पर काम करेंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो जिनको हम दिव्यांगजन कहते हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जब उस दिन उनको बुलाया हम लोगों ने, उनका डिस्कस करा, उन लोग को ही बुलाया क्योंकि उनके डिस्कशन हो रहा था, उनसे ही सबसे पहले शुरुआत कराई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बड़ी डिफिकल्टीज है उनको। सर मिनिस्टर डिसेबिलिटी बगल में है सर, हम बात करते हैं ए डिवीजन को लेते हैं सर। हाँ, को लेकर के उसको जरा अगर आप फाइंड आउट विल ट्राई टू फाइंड आउट सर, कि अगर ये सॉल्यूशन निकल सकता है इट्स अ गुड कॉज सर। हां, इसलिए सोशल जस्टिस का है ये इस। तो आप एक काम करिए, अभी 113 पे ले जाएंगे और करिए 230 रीअसेंबल, फिर वो ऑर्डर लिखाता हूं। जब तक वो सारे पॉइंट जो हैं आज वो सब मुझे बताते जाइए, देखिए कैसे उसको डिस्कस करके वो डेलिनेट कर देंगे, एंड देन वी विल ट्राई कि उसको मिस्टर उसके लिए थाने में लैंड करते हैं सर, थाने उसमें एफ आई आर करता है, फिर जाकर के आगे कार्रवाई नहीं करता है। 70-80% प्राइवेट कंप्लेंट फाइल होती है, उसी पर प्राइवेट कंप्लेंट होते हैं, उसमें एक्यूज आता है, फिर एविडेंस कंप्लेनेंट को अपनी एविडेंस चलानी है, पुलिस का कोई रोल नहीं सर। बिल्कुल ठीक है सर। अभी क्या है, ये जो ई साक्ष्य में हमने चार ऑप्शन दिए हैं, एफआईआर नंबर, जनरल डायरी नंबर, डीडी नंबर, तीसरा है केस नंबर। केस नंबर यही है सर, जब आप यहाँ क्रिमिनल केस होता है उससे भी हम 20 साक्ष्य बना सकते हैं और सीन ऑफ क्राइम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसीलिए वो ऐड किया गया केस नंबर सर। केस नंबर जो आपके यहाँ पर होता है कोर्ट में जो होता है ना, हालांकि वो बहुत कम केसेस होते हैं, वो इसमें नहीं है, ये उसको लास्ट में तो जोड़ा जा सकता है, कुछ कर सकते हैं उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड के पास भी ऐसे कोई प्रोसीजर नहीं कि हम उन केसेस को भी कोई एक आइडेंटिफाइड नंबर, कई बार ऐसे भी होते हैं कि एक एक एफआईआर पे चल रहा है केस, दूसरा प्राइवेट कंप्लेंट पर लगा, उन्होंने कहा कि इसमें ये ऑफेंस जोड़ा जाए सर, इस तरह से चल रहा है। सर दो चीजें हैं सर, एक तो ये है कि मुझे शुरुआत मेरे जो काम करने के लिए जेल से हुई थी सर, तो जेल में बहुत सारी चीजें हमें सुननी आती थी कि एफआईआर आ गया, लेकिन एफआईआर के अलावा बहुत सारे केस आते हैं इस तरीके से जो कि जिसका रिकॉर्ड थाने से नहीं मिलता है, लेकिन जेल में करना पड़ता है, इसलिए प्रोविजंस वहां किए गए। तो आपको कहना क्या मतलब कि जेल इज अ प्रॉपर एंड प्रॉपर प्लेस लाइब्रेरी फॉर ऑल वैरायटी ऑफ डेटा सर, ऑल एक्ट्स, आपके तरह तरह के डिटेंशन वाली चीजें भी आती हैं, हर तरह के एनसीबी आता है, जेल